कि आज साउथ एमसीडी के चार जोन हैं, हर जोन में एक एक एमसीडी में एक एक बायोमेथनेशन प्लांट और एक कंपोस्टिंग प्लांट और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का सोचा है। सबसे पहले प्लांट हमारे यहाँ पे पंजाबी बाग में लगा है और इन प्लांटों के कारण हमारे जो एमसीडी के पार्क हैं, जहाँ पर लोग शिकायत करते थे कि घास खराब हो रही है या पेड़ वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ पे पानी कम है, तो इनसे हमारी खाद बनेगी, इनसे हम जो हमारी गैस बनेगी वो हम आगे भी उसको आगे जब ये और प्लांट लग जाएंगे तो हम उसको कैसे कमर्शियली भी उसको दे सके, जब हमारे पार्क में उपयोग के बाद में अगर लोग उसको खरीदना चाहें तो एमसीडी उसको भी दे सकती है। और जो सीवर का पानी है उससे हम पूरे पानी को ट्रीट करके, जो पानी नाले में ऐसे ही बह जाता था और आगे वेस्ट हो जाता था, और हमारे पार्कों में हम बोरिंग कर करके ग्राउंड वाटर को यूज़ करते थे, उसके बजाय हम इसी सीवर के पानी को ट्रीट करके और अपने पार्कों में यूज़ करेंगे और इससे हमारे पानी की बचत होगी और जो इससे हमारे हाउस होल्ड का जो वेस्ट है उससे जो खाद बनेगी, तो ये बहुत ही अच्छी नई टेक्नोलॉजी और नए ज़माने का काम हमारी एमसीडी ने किया है। बजट के बारे में तो जनता बताओ भाई। मैं समझता हूँ हर आदमी की ये मांग थी कि उसको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, और ये 5 लाख ही नहीं, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप अपना मेडिक्लेम देते हैं, अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं, तो अगर आप 7 लाख 8 लाख तक की भी कमाई करते हैं और यहाँ पर आप अपनी सेविंग करते हैं, उसके बाद में अगर आपके 5 लाख रुपए नेट इनकम बचती है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। तो किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार को टैक्स से बिल्कुल हटा देना, ये इससे बड़ा काम कोई ना तो किसी ने सोचा था। सब लोग मांग करते थे कि 3.5 लाख कर दीजिए, 4 लाख कर दीजिए, सीधा ही उसको 5 लाख और 7 लाख का तोहफा दे दिया बहुत। और सबसे अच्छी बात है, जो देश का हमारा अन्नदाता है किसान, जो हम सुनते थे कि आत्महत्या करते हैं, 70 साल की आज़ादी में किसान आत्महत्या कर रहा है, मगर उसके जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खुले, 34 करोड़ गरीब किसान के खाते खुले, अब सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया हर वर्ष सरकार जमा करा देगी। अगर एक परिवार में 4 भाई हैं, सबके नाम में अलग अलग ज़मीन है, तो सबके खातों में 6,000 रुपये जमा होंगे। तो इतनी बड़ी सौगात, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी सौगात कोई चाहे अपना बात हो पेंशन की, जो हमारे श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, 40 करोड़ ऐसे श्रमिक हैं, उनको पेंशन योजना से जोड़ दिया। लोग सरकारी नौकरी क्यों मांगते थे कि उनको पेंशन मिलेगी, आज जो मोची है, आज जो बढ़ई है, आज जो अपनी रोड के ऊपर में कुम्हार है, पटरी पर अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसको भी सरकार पेंशन देगी जब वो रिटायर होगा 60 साल का, और उसको केवल 100 रुपया देना है और 100 रुपया उसकी तरफ से सरकार देगी। हर वर्ग का मैं समझता हूँ इसे अच्छा बजट, जो जनता मांग कर रही थी, मोदी जी ने एकदम कमाल किया है। और जनता का जो हक था 70 साल की आज़ादी का एहसास पहली बार जनता को हो रहा है।